when one electron is added to an isolated atom in gaseous state, ठीक है, added in ग्राउंड स्टेट ऑफ, मतलब जो भी उसकी ग्राउंड स्टेट ऑफ, ऐसा ना हो कि आप किसी एक्साइटेड स्टेट में डाल दें। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि अगर आप सोडियम में ऐड करना चाहते हैं तो आप थर्ड स्टेट ही उसकी पॉसिबल ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि यहाँ टू इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे और एक वन होगा, तो ग्राउंड स्टेट का हमेशा ये मतलब नहीं रहता कि यहीं पे ऐड करना है वन पे। तो जहाँ पॉसिबल स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाएगा तो कहाँ ऐड कर सकती हो, यहाँ ऐड कर सकती हो कि नहीं, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। देन वॉट एवर एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस, वॉट एवर एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज डिनोटेड, चेंज इन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाई दिस, इज द नोटेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंड इट इज किलो जूल पर मोल। तो ये तो एंथैल्पी का नोटेशन है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम टू अकम्प्लिश दैट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, सो हीट इज रिक्वायर्ड फॉर इट, किसी चीज को आयोनाइज करने के लिए। और इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव देन हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। सो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव, सो हीट इज रिलीज वेन वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम, मेटल और नॉन मेटल। सो हीट इज रिलीज वेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू मेटल और नॉन मेटल। नोबल गैसेस आर एक्सेप्शन, नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव है, देख लो। तो एंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया कि क्या चीज होता है। अगर यहाँ लैटिस लिखा हो, लैटिस एंथैल्पी, दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे अगर मान लो Na+Cl- इस तरीके से पूरा आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है, तो उसको तोड़ने के लिए
58.5 ग्राम का यानी 1 मोल का क्रिस्टल है NaCl, तो उसको सब पूरा अलग अलग करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसे लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। अगर अगर आप इसे बॉन्ड एंथैल्पी कहें, सो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, मान लीजिए जैसे Cl2 है और Cl को आप 2Cl में बदलना चाहते हैं, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा। हाँ, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको हीट देनी पड़ेगी, ऐसे तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। और अगर आप किसी में से एक इलेक्ट्रॉन आप किसी चीज़ को सोडियम है और सॉलिड है और उसको गैसियस स्टेट में बदलना चाहते हैं, तो जो गैसियस स्टेट में बदलना चाहते हैं तो उसको आप सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड से गैस में बदल रहे हैं, तो या फिर इसे एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, इसमें भी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, और या इसे आप सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग एंथैल्पी होती है। जैसे कि हमने देखा कि अगर सी एल जो कि गैसियस है, अगर सी एल गैसियस को एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एडिशनली जोड़ा जाए तो सी एल माइनस गैसियस हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। और जिसकी वैल्यू -3.49 किलो जूल पर मोल है और सोडियम को दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, क्या Na माइनस बन जाएगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी दी गई है, ये ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। ऐसा है। अच्छा, ये जो हम दोनों में आपका नया नंबर ही डाल दें क्या, उसी में सब भेजा करें, क्योंकि मम्मी के में भेजते हैं फिर वो मम्मी आपको भेजती है तो इनकन्वीनियंस होता होगा ना, तो दोनों में हम नया नंबर डाल देंगे। डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या क्या होता है बताओ। हाँ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी तो बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव क्या होगा, तो ठीक है, दीज ऑल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है, देन लेसर एनर्जी इज रिलीज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ड्यू टू जो भी इबिड,
इबिट का मतलब अबव सेड फैक्टर्स, उपरोक्त दिए गए कारणों के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फैक्टर्स, तो वो कम होती चली जाती है, उनका मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है क्योंकि वो रिपल्सन है, एटॉमिक रेडियस है। ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन रिपल्सन फोर्स, तो उसमें और आउटर मोस्ट में जा रहा है तो यही लिखना ठीक रहेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, सो डेल्टा ई जी एच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे कि इसका दिया गया है कि लीना केरब सी एस फॉर, अगर एच भी साथ में ले लिया जाए, एच तो खैर उस ग्रुप में नहीं है, लीना के रब सी एस फॉर, तो जहाँ ये मैग्नीट्यूड की बात की जाए मैं पूरा ही लिख देता हूँ डेल्टा ई जी एच, मैग्नीट्यूड तो पता चल ही जाएगा, एक्चुअल चीज़ भी पता होनी चाहिए। -73 किलो जूल पर मोल के स्मॉलर लिखना, और फिर -60, -53, -48, -47 और -46, ऐसा है। फ्रांसियम के केस में दिया नहीं है, रेडियो एक्टिव है, ये चीज़ है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? अच्छा, वॉट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलॉन्ग द पीरियड, प्रेडिक्ट करो कैसा ट्रेंड होगा। वॉट इज द ट्रेंड ऑफ, बोलो क्यों बढ़ेगा। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी लिख सकती हो, लेफ्ट टू राइट, सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या क्या होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है कि घटता है बताओ। हाँ, रिमेन्स कांस्टेंट ना, और एटॉमिक रेडियस बढ़ता नहीं है, तो गलत लिख दिया, बता दिया करो। डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, अच्छा और क्या होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस, सो देयर इज मोर विगर टू एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो बहुत उत्सुकता होती है, देयर इज मोर विगर टू एक्सेप्ट द इन कमिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्जर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस मॉडुलस डेल्टा ई जी एच इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आगे चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है।
एक मिनट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकंड पीरियड। तो हम सेकंड पीरियड के लिए इसकी वैल्यू देख लें कि क्या है। बुक में तो पूरी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ही दी है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेकंड पीरियड में, हम इसकी वैल्यू देख लें कि कैसी होती होगी। तो जहाँ लिथियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, वहीं पर आप देखें बेरिलियम के लिए कितनी है, बढ़ गई क्या? ठीक है, अच्छा ये चीज़ है। फिर बोरॉन के लिए -26 है, बोरॉन के लिए फिर बढ़ गई, फिर घट गई। नाइट्रोजन के लिए घट क्यों गई बताओ? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका अपना हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पूरा है, तो क्या वो स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो वो ऐसे एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि क्यों इसकी वैल्यू कम होती है। तो वैसे तो एक ट्रेंड बढ़ने का ही है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू कम होती जाती है। और नियॉन की भी देख लो, तो नियॉन की कैसी है? नियॉन की दी गई है 116, तो वो भी कमी है, क्योंकि जिसका ऑक्टेट पूरा है वो भला क्यों लेगा बताओ, लेगा क्या? तो अब हम इसकी इसकी वैल्यू लिख लें सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट देयर ट्रेंड। सो ली बे बक नॉफ और एनी, और ये डेल्टा ई जी एच की वैल्यू। तो डेल्टा ई जी एच की क्या वैल्यू होगी? इट इज -60, बुक में भी लिथियम की -60 ही लिखी है। ओके, नाउ -60, और फिर उसके बाद लिख दी है +66। अच्छा, बेरिलियम क्यों नहीं लेना चाहता? क्या इसका 1s2 2s2 पूरा है, s s ऑर्बिटल पूरी है, तो ये एक्स्ट्रा क्यों लेगा? पी में कहेगा कि मेरा तो सब शेल पूरा भरा हुआ, मैं क्यों लूँ? अच्छा, बोरॉन -27, बोरॉन भी एक हटाने के चक्कर में था और आप उसको दे रहे हो। वो तो चाहता था कि बेरिलियम का मिल जाए, बट व्हेन यू आर गिविंग इट देन पी ऑर्बिटल्स दूर होती जाती हैं सेंटर से। तो जब सेंटर से दूर होती जाती हैं तो सेंटर का अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि लेंथ वाइज वो बड़ी होती है ना एस से, कि वो सेंटर के करीब होती हैं। और इस तरीके से -122, फिर वो इफेक्ट अब धीरे धीरे कम हो गया। +31, क्यों +31 है? और -141 और -328 और +116। नियॉन में +116 क्यों है? कंप्लीटली फिल्ड है तो वो अब लेगा नहीं, इसलिए वो नहीं है। अब इसी के अगला देखो, तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में ली ना, तो -52, नीचे चलने पर तो कम हो ही रही है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, एक का अंतर है, कोई फर्क नहीं है, वो हम अभी रीजन बताएंगे। एल्यूमिनियम में दी गई है इट इज माइनस, एक मिनट, सो -43, सो -43 दी गई है। और सिलिकॉन में माइनस, ये देखो ये ज़्यादा क्लियर है चार्ट, इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। -43, तो सिलिकॉन में -134, -134। अच्छा, सिलिकॉन में -134 क्यों है? नीचे चलने पे ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? कोई रीज़न है क्या आपके पास? फॉस्फोरस
में क्या दिया गया है? -72। इसमें प्लस है, इसमें माइनस क्यों है? सल्फर में -200 और क्लोरीन में -349। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो सभी का ट्रेंड मिल जाता है। ये +116 है, तो जो पिछला वाला देखा था उसमें यहाँ पर देखने में +196 है, +196, 196। और नियॉन के ऊपर है आर्गन, तो -48, उतना में नहीं देखना है। अच्छा अब देखो, कुछ इसमें क्वेश्चंस बनते हैं दैट वी विल सी, कि ये तो बढ़ता जा रहा है वैल्यू। अगर जनरल ट्रेंड देखें फिर हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वाई, दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई ऑक्सीजन हैज लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। नीचे चलने पे कम होनी चाहिए और यहाँ नीचे चलने पे बढ़ रही, क्या उल्टा ट्रेंड नहीं है? क्योंकि नीचे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और नीचे फिर ज़्यादा विलिंगनेस नहीं होती स्क्रीनिंग बढ़ने की वजह से कि कोई आ रहा है नहीं आ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है, देन सल्फर विच इज कंट्रेरी टू पीरियोडिक ट्रेंड, फिर नीचे चलने पे बाकी में फिर घटता ही चला जाएगा। ठीक है, कंट्रेरी टू पीरियोडिक ट्रेंड, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर और नीचे चलो तो फिर वो बात, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर घटी रही है, तो शुरू से ही क्यों नहीं घट गई? 260 होती, 200 होती, 195 होती, 190 होती, यहाँ तो ऐसा चल रहा है पहले में, फिर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ तो घट रही है लिथियम सोडियम में, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? इन केस ऑफ ऑक्सीजन 2p4 द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2p ऑर्बिटल विच इज स्मॉलर इन साइज, उसका साइज बहुत कम है, एंड इट सफर्स अ ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन द सबशेल, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन द सबशेल। सबशेल तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1s है, ये 2s है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और फिर ये 2s के इलेक्ट्रॉन यहाँ है और फिर ये 2s है, 2p थोड़ा सा बड़ा होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, थोड़ा सा बाहर निकला होगा बस, तो 2p। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ये कितनी कंजेस्टेड ऑर्बिटल है और इनमें पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखो तो 2p4 है कि नहीं, टोटल 8 होते हैं कि नहीं, तो 1s2, 2s2 और 2p4, तो वो 4 है एक और आपने ला के दे दिया, तो
तो उनमें कितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, सेंटर में इतने प्रोटॉन भी नहीं है, आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला के दे दे रहे हो और उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के केस में। जबकि अगर हम आगे सल्फर की बात करें तो उसका साइज बढ़ चुका है और उसमें ये 2p है, और 2p से बड़ा 3p। तो ये जो इफेक्ट है ये डिक्रीज हो जाता है आगे बढ़ने पे 3p में। सो इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है 3p में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। सो वाइल इन केस ऑफ सल्फर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3p ऑर्बिटल्स विच आर लार्जर इन साइज, सो इस केस में इट डज नॉट सफर दैट मच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड विद ग्रेटर विगर, बहुत उत्साह के साथ उसे स्वीकार किया जाता है सल्फर में। यहाँ तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो भगाएंगे कि इतनी छोटी सी जगह थी, हम 4 लोग रह रहे थे, तुम भी आ गए, यहाँ बड़ी जगह है तो आओ तुम भी रह लो, बोलो। एक्सेप्टेड इन 3p ऑर्बिटल इन सल्फर विद ग्रेटर विगर, विगर का मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा के साथ किया जाता है। सो मच एनर्जी इज लिबरेटेड। ड्यूरिंग सेम प्रोसेस इन केस ऑफ सल्फर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? बताओ। यदि समझ में आ गई है तो एक प्रश्न और उठता है कि अब फ्लोरीन और क्लोरीन पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई फ्लोरीन इज हैविंग लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई जी एच देन क्लोरीन, क्लोरीन से इसका कम मैग्नीट्यूड क्यों है? तो आंसर के बारे में थोड़ा बताओ। थोड़ा बताओ तो मुझे पता तो चल जाए। टू पी सबसेल बोलो। बस ठीक है, अच्छी बात कही है, अच्छी, बस 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 ठीक है। अब आपने जो ये बात कही है कि इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो जब भी लिखो तो 1s2 2s2 कॉमा लगता है कि नहीं लगता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखने में है? नहीं लगता। ठीक है, सो 1s2 2s2
2p5 in case of fluorine. The incoming electron enters in 2p orbital, which is smaller in size, which is smaller in size. So incoming electron suffers more inter-electronic repulsion within the P-sub cell. Inter-electronic repulsion within the subshell भी लिख सकती हो, within the subshell. So lesser energy is released while in case of chlorine. तो जब chlorine का केस लिया जाएगा तो वहां क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन कहाँ एंटर करता है? इन थ्री पी ऑर्बिटल विच आर लार्जर इन साइज, इन साइज. सो वन मोर इलेक्ट्रॉन कैन ईजली बी अकोमोडेटेड इन इट, ईजली बी अकोमोडेटेड इन इट and it suffers less inter-electronic repulsion so larger amount of energy is released. During the process in case of chlorine than that of fluorine, in case of chlorine than that of fluorine, than that of का मतलब उसी केस के लिए. इतनी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव, वाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर कॉन्फ़िगरेशन and they have complete octet or duplet. These are chemically inert. Towards केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन सो इट इज डिफिकल्ट टू एड वन मोर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ नोबल गैसेस. सो इट इज डिफिकल्ट टू एड वन more electron in noble gases as
इट इज टू बी एडेड इन न्यू शेल, कहाँ पे ऐड होगी बताओ, न्यू शेल विच इज फारदर अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। सो ऐसे केस में क्या होगा कि देयर इज एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू डू सो बिकॉज एंड इट हैज नो एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। अब नई शेल में ऐड करोगे, ऐसे पहले तो नहीं किया था, 2p4 था तो 2p5 कर दिया था, और फ्लोरीन में 2p5 था तो 2p6 उसी में तो ऐड किया था जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन थे, कोई नई शेल तो यूज़ नहीं की थी, और नई शेल तो बहुत दूर होगी तो उस पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा उसको। सो नो एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फेल्ट बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस डेल्टा ई जी एच इज पॉजिटिव फॉर नोबल गैस। बस और बीच के जो भी हैं उनके बारे में पूछने पे आप लिख सकते हो, क्वेश्चन आता नहीं है, वो ट्वेल्थ में आता है। मैं एक एन का फिर भी एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ट्वेल्थ का क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, यानी जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी पॉजिटिव क्यों है, जैसे +31 है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए कर दे रहे हैं, और इसी वजह से ये मिसिंग भी रखा गया आपकी बुक में, नहीं तो पूरा ना दे देते। वाई इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा ई जी एच फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू +31 किलो जूल पर मोल। सो इन नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, इट हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू, इसकी वजह से इट्स हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वुड गेट डिस्टर्ब्ड इफ वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड इन 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में ले लिया जाएगा तो उसका हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मॉडुलस डेल्टा ई जी एच या सिर्फ डेल्टा ई जी एच इज पॉजिटिव फॉर नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको सारी बातें बता दी हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी के बारे में। अब देखो प्रॉब्लम 3.7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। सो पी एस सी एल और एफ, तो हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का ट्रेंड क्या होता है। सो फॉर जो भी है मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा ई जी एच, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इधर बढ़ती है और किधर बढ़ती है, इधर है बात कि नहीं, मैग्नीट्यूड किधर बढ़ता है बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर हम नोबेल गैस को छोड़ दें तो फ्लोरीन का नहीं होगा,
एक्सेप्शन को भी छोड़ दें और नीचे से ऊपर है। तो अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम देखें कि इधर बढ़ती है। वेक्टर एडिशन में भी हमने देखा था कि आप यहाँ से कलकत्ता गए, कलकत्ता से आप दिल्ली गए जोधपुर से, तो जोधपुर से दिल्ली गए कि नहीं। अच्छा ये देखो, तो हम इसके अब ये बना लें कि क्या क्या है। तो ये फिर यहाँ पर तो नौ ये आ जाएगा, फिर छह यहाँ आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसी में इनको एकोमोडेट करो, ये ऊपर की एक सेल है, ये इधर की एक सेल है, तो ये सब कहाँ पे होंगे। तो पी एस कहाँ पे होगा, ये दैट इज ट्वेल्व तो नहीं थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, और ये सेकंड पीरियड है वन टू थ्री, सेकंड में तो होगा नहीं, थर्ड में होगा। तो सिक्सटीन्थ में सल्फर है, सेवनटीन्थ में क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, और फास्फोरस ये है, ठीक है फिफ्टीन में। तो हम ये कह सकते हैं फास्फोरस से ज़्यादा तो सल्फर की होगी, ठीक है। सो एस पर अबव ट्रेंड क्या होता है, और फास्फोरस से ज़्यादा सल्फर की और सल्फर से ज़्यादा क्लोरीन की, लेकिन क्या फ्लोरीन से ज़्यादा भी क्लोरीन की, बताइए। सल्फर की माइनस दो सौ भाई याद है, और इसकी माइनस 161 थी याद है, इसकी माइनस 349 थी याद है, इसकी माइनस 329 है, 29 नहीं 28 है, ये याद है। और फास्फोरस की नहीं दी है क्या, ना दियो हम लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकंड पीरियड, सो हम लोग इसे चेक कर लें कि क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, तो सभी की हमको पता चल जाएगी। हम एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन आपको जानकारी दे रहे हैं माइनस 72, ठीक। और ऑक्सीजन की भी ठीक कर लेंगे, माइनस 141 लिखिए, सो माइनस 141 है। और इसकी कितनी बताई, माइनस 72। तो अब क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ऐसे लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड ये इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये है। हाउ एवर ये जो डेल्टा ई जी एच फॉर क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इतना लिखने के बाद आप लिख दो सीधा रिपल्शन। सो ऑर्डर इज, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाउ कि फास्फोरस उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और उससे ज्यादा क्लोरीन, यही तो होगा। बताइए समझ में आई बात कि नहीं, ये बात हो गई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख दिया, इतना लिखने से ये टीचर को समझ में आ जाएगा कि बात आपको समझ में आ गई है।
आपने रटा नहीं है। ओके नाउ अगली बात देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पहले नीचे वाली चीज पढ़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये टर्म पहले चला करती थी। यानी इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, जैसे आप देखें कि नॉन मेटल्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द मेटल्स। एफिनिटी का मतलब है कि अट्रैक्शन। तो किसके अंदर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के प्रति? सो नॉन मेटल्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी देन मेटल्स। सो जैसे हम लोगों ने इसके लिए एक थर्मोडाइनमिक वैल्यू डिटेल कर दी, इतना किलो जूल है, वैल्यू दी है कि नहीं? वैल्यू से ही तो पता चलेगा कि बोर नेबर साइकिल कैसे बनेगा, बिना वैल्यू के पता चल जाएगा क्या कितनी एनर्जी इसमें लगी, कितनी लेने में लगी, कितना लैटिस तोड़ने में लगी, कितना आयोनाइजेशन में लगी, कितनी बॉन्ड एंथैल्पी लगी, फिर सबको जोड़ो घटाओगी तो देखोगे अगर निगेटिव आ रही तो वो चीज़ बन जाएगी। बताओ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके की है, तो वो बहुत पहले, इट इज डिफाइंड एज दैट द व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ली जाती है। अगर मान लीजिए कोई ले लेता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि ऐसे केस में जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप उसे पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, तो ऐसे तो थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा। जब एनर्जी किसी को दो तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, दूध को उबालोगे तो उसका डेल्टा एच बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ। और अगर दूध ठंडा हो गया तो उसका डेल्टा एच घट जाएगा, तो आप किसी को एनर्जी दोगे तो ही बढ़ेगी। और अगर वो रिलीज कर रही है, जैसे इन सब केसेस में रिलीज हो रही है एनर्जी जब हम दे रहे हैं, और रिलीज होकर वो यूनिवर्स में डिसिपेट हो जाएगी, तब तो घट गई एनर्जी का रिलीज हुआ है, लॉस हुआ है सिस्टम का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है वही चीज़, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ए ई कहा जाता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू सम एटम देन इट इज टेकन पॉजिटिव फॉर नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए इसे पॉजिटिव लिया जाता था, मेटल ठीक है, तो अब ये चीज ली जाती थी क्योंकि उसमें वो ऐसा करता था, विच इज कंट्रेरी टू थर्मोडाइनमिक कन्वेंशन। कंट्रेरी, बट थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं चलेगा, कंट्रेरी टू थर्मो डायनामिक कन्वेंशन। अब देखो, इसलिए बाद में इसमें मॉडिफाई किया गया कि जो डेल्टा ईजी है वो माइनस ए, उसका साइन पहले बदला गया, और फिर ये भी देखा गया कि माइनस 5/2 आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, गैसियस लॉस है, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो इन सब चीज़ों को। मतलब आर की वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर मोल, ये गैस कांस्टेंट है, हम आगे देखेंगे ठीक है। और ये टेम्परेचर इन केल्विन, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि ये अब ऑब्सोलीट टर्म हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कहीं अगर आपको मिले तो पढ़ना मत, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आप क्या समझती हैं? दैट इज
टेंडेंसी ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द कंबाइनिंग एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच ले. सो इन एनी केमिकल बॉन्ड tendency of combining atom to pull the shared pair of electron towards itself, अपनी ओर खींच ले, is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. जरा इस बात को समझो, ये क्या कहना चाहता है. मान लीजिए अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं. सो दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कोर इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाया जाता. तो अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम बॉन्डिंग करते हैं, तो इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका एक ले लिया. और ये बात कहा गया कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो बीच में रखेंगे, वो दोनों का होगा. तो एफ ने भी ये बोला ठीक है बीच में रहेगा और दोनों का रहेगा. ये अब चूंकि इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, एफ के पास 9 सेंटर में प्रोटॉन है, इसके पास एक ही है, तो इसने इसको खींच लिया. इस शेयर पेयर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट और एनी एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अगर ये अपनी ओर खींच ले तो चीटिंग कर रहा है कि नहीं हाइड्रोजन के साथ. तो अब इसमें इसने ये काम लेकिन किया, और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसी की तरफ रहा और हाइड्रोजन दूर ही रह गया. वो दूर दूर से इसको लेता रहा, उसके प्रोटॉन को तो उसने भगा दिया कि प्रोटॉन मेरे पास मत आओ लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम आ जाओ. तो ऐसा होने की वजह से इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया, लेकिन जो H और F थे ज़्यादा समय उस इलेक्ट्रॉन ने इनकी तरफ बिताया. वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इसके पास भी रहे, लेकिन अधिक समय तक अगर देखा जाए तो किसके पास रहे, इसके पास कम समय तक रहे. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास ज़्यादा समय तक रहेगा, सेंटर में तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ा नहीं लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका मिल गया, तो इस पर एक डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया. डेल्टा का मतलब है पार्शियली निगेटिव चार्ज. और इस पर क्या आ गया, क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन की, उसको ऐसे शो की जाती है कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये एरो से पता चल जाता है कि शिफ्टिंग हो गई. तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है. सो फ्लोरीन हैज़ मोर टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. फ्लोरीन हैज़ more tendency to pull the shared pair of electron towards itself. ऐसा क्यों है, due to greater z effective towards itself, due to ग्रेटर जेड इफेक्टिव. जैसे अगर हम देखें तो प्रोटीन, ये फ्लोरीन के केस में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब रिपेल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, और जो सेंटर है वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन के केस में. तो फ्लोरीन में सेंटर अटैक कर रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं. अच्छा, रिपल्सन भी सबका अलग अलग है. एस का रिपल्सन है 90%, पी का है 50%, डी का है 10%. डी तो खैर यहाँ है ही नहीं, एफ का है 2%.
तो रिपल्सन और अट्रैक्शन अगर हम सब देख लें तो जो फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव है इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है 4.5, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इस परसेंटेज को भी कैलकुलेट करेंगे, बीएससी में करवाया जाएगा, जेड इफेक्टिव निकलवाया जाएगा आपसे, तो कितना इस पे रिपल्शन है और कितना अट्रैक्शन है। सो द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। सो नेट इफेक्टिव चार्ज, चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, विच इज हाइएस्ट इन फ्लोरीन, विच इज हाइएस्ट इन फ्लोरीन एंड लोवेस्ट इन फ्रांशियम, फ्रांशियम में सबसे कम है और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा है। तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि ग्रेटर जेड इफेक्टिव जिसके पास आएगा वो खींच ले जाएगा। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए एक कंपैरिजन बनाया है। सो ऑन बेसिस ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ वेरियस एलिमेंट, ऑन बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैज बीन प्रिपेयर्ड। बाई पॉलिंग, तो जो पॉलिंग ने बनाया उसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। अच्छा, उसके लिए क्या डेफिनेशन है पॉलिंग स्केल? उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ली जाती है, जेड इफेक्टिव फार्मूला है, बट वो फार्मूला भी इसी पार्ट वन में, अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको अभी सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसी तरीके से मूल्यिकन जैफ स्केल है, इन्होंने भी अपना बनाया है मूल्यिकन जैफ स्केल, ये भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, और एलरेड, ये सभी पढ़ेंगे, एलरेड रोशो स्केल। हाउएवर द मोस्ट पॉपुलर इज पॉलिंग स्केल, द मोस्ट पॉपुलर स्केल इज पॉलिंग स्केल। जितने भी स्केल अभी तक बने हैं उन सब में पॉलिंग स्केल सबसे अच्छा है। जस्ट लेट अस सी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायग्राम ऑफ पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हियर इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेंटेक। अगर सिंपली ऐसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू हम देखेंगे तो पॉलिंग स्केल ही निकल के आता है, क्योंकि ठीक है, जस्ट अब हम देखें, ये देखो, तो दिस इज चार्ट ऑफ, ये जरा चार्ट देखो, फ्लोरीन का कितना दिखाया जा रहा है, फ्लोरीन का 4 है, तो फ्लोरीन का अगर और देखो जो और थोड़ा क्लियर हो, ये भी क्लियर नहीं है, तो इसमें मतलब अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अभी आपको दिख रहा है हाइट में, दिख रहा है फ्लोरीन का कितना है, सबसे ज्यादा है 4 की नहीं,
ये पिछला चार्ट, पिछला ज़्यादा अच्छा है। ये देखो फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन से कम किसका है, 3.5 ऑक्सीजन का है, और 3.5 से कम किसका है, क्या नाइट्रोजन? क्या जो नाइट्रोजन की जितनी ऊंची मंजिल है उतनी ही ऊंची मंजिल क्लोरीन की भी है क्या? बताओ। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का 3.5। ये याद कराने के लिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत फार सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है, डाइपोल मोमेंट सब कुछ बेस्ड है, इसलिए इसको थोड़ा सा माइंड में रखो। तो और आगे देखो तो फिर भी मैं छिपा लेता हूँ, और ये मुझे बताओ फ्लोरीन का कितना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन 3। अब आगे देखो, अच्छा इसके अलावा जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन का, मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे कि साइट पे जाके आपको और अच्छा दिखे। सो नाउ अगर खुलेगा तो अच्छी बात है। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज, ये अब यहाँ और अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अब ये देखो क्लोरीन से नीचे कौन है, ब्रोमीन का क्या 2.8। धीरे धीरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम क्यों होती जा रही, क्या नीचे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है? अच्छा ये बताओ लेफ्ट से राइट मंजिल ऊंची क्यों होती जा रही, लेफ्ट से राइट हाइट बढ़ती क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती क्यों चली जा रही है, क्या चीज क्या बढ़ रहा? हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, यही सारी चीजें हैं, तो फिर वो खींच ले रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर ब्रोमीन का कितना है बताइए, तो फ्लोरीन का कितना बताया। कुछ चीजें देखो कि जैसे लीवे बकनॉफ का देख लो, ली बे बकनॉफ, ये सो दैट इज लीबे बकनॉफ, और फिर FClBri, ज़्यादा नीचे 80 तक नहीं जाना है, वो आपके काम का नहीं है। और इसी तरीके से नीना, ये देखना है नीना मग, RCPS, इन सब की ज़रूरत है, के लीना के रब, CS फर, ये चीज़ है, इन सब की ज़रूरत है, जितना हमने आपको बता दिया इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब देखो लिथियम का 1 है, ओके, और लिथियम का 1.0 है, और लिथियम से नीचे जाने पे भी घटता चला जा रहा है, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, 0.7। तो इस तरीके से 1.9, 0.8, 0.8 और 0.7। फ्लोरीन का कितना है, 4, इसका 3.5, इसका कितना है 3। निगेटिविटी की वैल्यू का डिफरेंस अगर 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तो आयनिक कंपाउंड बनेंगे, बोलो NaCl आयनिक कंपाउंड बनाएगा कि नहीं, क्योंकि 2.1 का डिफरेंस है, चेक कर लो। अच्छा सल्फर का देख लो, सल्फर का कितना है, सल्फर का 2.5, और फास्फोरस का कितना है 2.1, ओके। ये बेरिलियम का कोई ज़रूरत नहीं है, बेरिलियम का वैसे 1.5 है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फिर 1.5, 2, 2.5, कितना आसान है, 0.5, 0.5 बढ़ रहा है ना, कितना आसान स्केल।
और ये 0.9, फिर इसके बाद क्या है 0.9, 1.2, 0.3 बढ़ा है, फिर 1.5, फिर क्या 0.3 बढ़ा है, ठीक है, फिर इसके बाद 1.8, क्या 0.3 बढ़ा है, 0.3 बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 बढ़ा है, बाकी सब यहाँ 0.3 बढ़ा, इससे 0.1 कम कर दो, 0.3 बढ़ाते जाओ और यहाँ 0.5 बढ़ाते जाओ, है आसान। यहाँ से यहाँ तक आप देख लो पॉइंट, यहाँ तक पूरा 0.3 बढ़ा है और ये सब 0.5 बढ़ा है। एक और इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन का याद रख लेना चाहिए, जिसका कि 2.1 है। तो ये हाइड्रोजन का हमने आपको बता दिया, क्योंकि अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे ही बेस्ड है। तो अब हम इसमें ये जो भी बनाया गया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इसका ट्रेंड अगली क्लास में देखेंगे कि क्या होगा इसका ट्रेंड। 12:30 पे अगली क्लास होगी आपकी।